तबीयत खराब है, लेकिन भाई ये बोले जा रहा है बहुत देर से। अमन एंड बुली के एक और व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस व्लॉग के अंदर ये बुल जो है हमारा बुल्ली, ये मिलेगा अपने फ्यूचर से, मतलब एक और सेम बुली है, नाम है उसका रॉक। वो है यहाँ से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। यार आज हम जाने वाले हैं बागपत, मिलेंगे ऋतिक डॉग केनल से। सफर में ज्वाइन करो हमारे साथ, बैठ जाओ, आ जाओ, चलो घूम के आते हैं यार, थोड़ा सा फन करके आते हैं। खुला खेत होगा और देखेंगे बुल्ली का खेत वगैरह में कैसे क्या रिएक्शन होगा, और बहुत सारे डॉग्स भी होंगे वहाँ पे। बुल्ली एक अपने से डबल उम्र में जो बड़ा है उस बुल्ली से मिलता है, तो क्या रिएक्शन देता है, आओ बैठो फटाफट। ज़ूम गंदे से गंदा मिला के खड़ा हुआ है। देखो दोस्तों, अब एनिमल क्रुएलिटी की बात करते हैं ना, अब मैं दिखाता हूँ कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है। अभी आप देखना, ये देखो, ये ले, ये हमारा डंडा, ये सिखा रहे हैं भाई हम अपने बच्चों को। लो जी, कुछ दोस्त मिले हैं, इन्होंने रखवाई है गाड़ी बुल्ली को, मैंने सोचा कि सुसु भी करा देते हैं। तो दोस्तों बड़ौत जा ही रहे थे, और हो ये डॉग कहाँ से आ गया, दूसरा खाना लेके जा रहा है। खाना लेके तो मुशाहिद खान जी अभी हमें मिल गए रास्ते में जाते जाते ही, अभी इन्होंने साइड में से हाथ दिया। ये फायदा होता है, देखो जब लिख लेते हो ना आप गाड़ी के ऊपर यूट्यूब और अमन बुल्ली लिख दिया, लोग हमें कहीं भी मिल जाते हैं और पूरा प्यार मिलता है हमें हर जगह से। मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, करना चाहिए। और अभी मैंने इनका चैनल देखा तो ये करते क्या है, ये सपोर्ट करते हैं नीडी लोग जो होते हैं उनको बड़ी हेल्प करते हैं। तो सोशल कॉज वाले जो इंसान है, और खासकर यूट्यूब पे, ये मुझे लगता है कि सही वजह है एक यूट्यूब को यूज करने की, क्योंकि सोसाइटी का भला भी हो रहा है और टेक्नोलॉजी का यूज भी आप कर रहे हो। तो आपसे बहुत अच्छा लगा जी, मिल गए। अभी तो ये तो हमारा खैर फर्ज बनता है, हमें ऊपर वाले ने अभी इतना काबिल बना दिया है कि हम कर पा रहे हैं तो कर लेते हैं, जब तक कर सकते हैं, हाथ पर चल रहे हैं अभी तक, जब तक जेब भी अलाउ कर रही है तो करते हैं। और बाकी आप लोगों का तो सपोर्ट सबका है ही यार, आप लोग सपोर्ट करते हैं उसी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। भाई को सपोर्ट कीजिए, मेरे जितने सब्सक्राइबर मेरे चाहने वाले हैं, मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, भाई सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखो ये कितना प्यारा सा कुत्ता है, और इसको कुत्ता कहना कुछ नहीं, सभी आदमी है ना, कोई बात नहीं। तो भाई को सपोर्ट कीजिए, सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेस्क्यू चल रहे हैं। चलो जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ओके भाई। तो भाई चौधरी चरण सिंह हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारा स्वागत करते हैं इस मार्ग पे, बहुत दिनों बाद थोड़ा गांव वाली ऐसी फील मिल रही है, तो वही मजा आ रहा है मेरे को भी। और ये देखो, ये चुट्टू मुन्नू सी नाक घूम रही है हमारे आसपास। फाइनल गाइस, लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, ऋतिक भाई को फोन मार दिया गया है, अब बस वेट कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ, इधर ही रहते हो? बहुत 2 घंटे हो गए अभी आते हुए, 2-2.5 घंटे। तो दोस्तों ये भी बड़ी ना अलग सी फीलिंग है, मतलब मैं 100 किलोमीटर दूर आया हूँ अपने घर से भी, और इतनी तो खाली पड़ी है रोडे, उसमें से भी जो थोड़े बहुत इंसान अगर जा रहे हैं और उसमें से भी बुल्ली को पहचान लेते हैं और ऐसे मिलते हैं जैसे कि उन बहुत पहले से बुल्ली को जानते हैं, तो इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना यार। और मतलब मेरे से भी ऐसे प्यार से मिलते हैं लोग, और बुल्ली से भी मिलते हैं, ये प्यार ही कमाया, असली जो कमाई है ना हमारी वो यही है यार आप लोगों से। देखो कैसे लटक के देख रहा है बुल्ली बार। ये लो भाई, आ चुका है बुल्ली का बड़ा भाई। ये लो भाई, आगे बैठ के है लड़का फुल। चलो उतर के मिलते हैं भाई, मिलवाते हैं बुल्ली को।
भाई बिल्कुल ही तो बुल्ली है ये देखो, बिल्कुल सेम बुल्ली है। बस ये है कि इसकी एज 11-12 साल का है, 11 साल का आई थिंक। और देखो बिल्कुल सेम बुल्ली है यार। वाह, ये देखो यहाँ से टाइप एक बुल्ली है। हाँ हाँ उतार रहा हूँ, बिल्कुल शांत है, उतार रहा हूँ बुल्ली, रुक जा, उतार रहा हूँ। पहले मैं जाके मिलता हूँ बुल्ली से, मतलब रॉक से। ज्यादा पास आ गया ना वो, और ये ऊपर था हाइट में, तो अग्रेशन होगा तो कॉमन बात थी, उसने मार्किंग कर दी आते ही। ठीक है, अभी उतारते हैं उसको, देखते हैं फिर। और ये देखना यार कैसे खड़ा हुआ है, मस्त। एक नंबर लग रहा है भाई, वाह। चलो यार अब उतारते हैं इसको फटाफट नीचे। आ जा भाई बुल्लू, बहुत देर से बैठा हुआ टॉयलेट। अरे राम से और अटैक अटैक नहीं करने का, ना ऐसे तो नहीं करेगा, लेकिन अभी थोड़ा क्यूरियस है ना। अच्छा अच्छा, तो सामने वाले कुत्ते को भी भाई थोड़ा देख रहा है। बोले अभी मिलवाएंगे इन दोनों को, थोड़ा आराम से मिलवाएंगे। लेकिन तो गाइस अभी बुल्ली को गाड़ी से नीचे उतार दिया, बुल्ली पूरा एक्साइटेड है रोक से मिलने को। रोक भी पूरे ध्यान से सही देख रहा, बट भाई ज्यादा पास नहीं ले जा सकते। अरे पर पता है घोड़े घोड़े पे नजर, बिल्ली घोड़ा का है, घोड़ा देख, घोड़ा ये रहा, घोड़ा, ओ भाई घोड़ा, घोड़े का तो समझ ले क्या भाजी? हां यहां तो कहो मत, घोड़े घोड़े ये घोड़े का थोड़ा वो है, थोड़ा पकड़ के रखियो तो भाई। बुड़का तो नहीं भरा पक्की बात, बुड़का भी ऐसा तो नहीं भरेगा, लेकिन अभी सामने वो है ना थोड़ा सा। बोले रोक लो, ये भी बड़ा शांत, अभी तो शांत हो गया काफी है। ये कितनी, क्या एज क्या है इसकी? इसके तो भाई एक तो मेरे पास एडल्ट आया था, ढाई तीन साल हो गए मेरे पास। अच्छा। एज तो इसकी बहुत हो रही है, मतलब कितनी फिर भी, 10-1 साल? हाँ 9-8-2 साल हो लिया भाई। ना उसके हिसाब से भी ठीक है फिर भी, इतने साल के हिसाब से ना। पहले तो 4-5 साल का सोचू था। अच्छा, फिर मैंने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री निकाल ली, कहाँ से कैसे है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री खतरनाक ही है मेरे पास। सुसू कर लिया जा, चल अब दोनों सुसू करेंगे भाई। ये मेल्स के अंदर रहता ही है, मार्किंग करनी है इनको दोनों जगह की। आ बेटा टोली, ओए ज्यादा पास भाई, भाई 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 बुल्लू ये तो मेरे को देखे जा रहा है। चल 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 चल। मैंने इसकी वाली रील देखी थी सबसे पहले, जो बुलेट पे बैठ के आता ना ये। अच्छा, तो वायरल हुई थी वो तो काफी। एक मैं इसे लोनी पोनी तक कैसे ले जाऊं? अच्छा, कोई दिक्कत, ये तो नहीं बैठता, स्क्रैच भी आए होंगे फिर इस पे, तो नहीं आते, लगा रखा है कुछ। इस पे लैमिनेशन हो रही है, लैमिनेशन करवा रखे भाई ने इस पे। ये सूंघ रहा बुल्ली, बैठ तो सारे जब है, कोको भी बैठ जा, पर वो दो साइड में डॉग्स दिखेंगे ना, उन्हें देख के भौंक के बाकी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्कूटी पे भी नहीं बैठता, अगर ये बाइक के ऊपर बैठ गया ना, साइड में ही है, बिल्कुल सही, बाइक के साइड में ही देखने का भी नहीं, अच्छा फर्क भी नहीं पड़ने का बाइक के ऊपर बैठ के। अब देख लो दोस्तों, ये बुल्ली 4-5 साल बाद मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ये फ्यूचर से मिलने आया बुल्ली आज, अपने टाइम मशीन में बैठ गया ना, टाइम मशीन। नाली में चला गया, जान तो अभी पूरी लगाता है, पूरा पुश पूरी लगा, ग्रिप बढ़िया लगा बिल्कुल, मतलब इतनी एज के बाद भी एक्टिव रहते हैं ये डॉग। शर्म तो नहीं आ रही, दाढ़ी गाल मजा में आओ, करवाओ लड़ाई। एक काम के भाई है, वो तो मिला। तो अभी कितने डॉग्स हैं अपने पास? मेरे पास तो काफी है, एकदम घूम ना जाए बस बुल्ली। अभी देखो इसको पता नहीं है बुल्ली को, बिल्कुल ही पीछे खड़ा हुआ है इसके। रोको भाई, आते रहो छोटा। तो गाइस अभी बुल्ली को और रोको दोनों को बिल्कुल पास पास खड़ा कर रहे थोड़ी देर, जिससे कि जी इशारों में बात कर ले, ज्यादा पास ले जाकर तो बात करवा नहीं सकते, वरना भाई बात के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी, दोनों को दोनों मेल हो गए ना। रोको बस आराम से मिल ले छोटा भाई, आते रहो। और गाइस बिल्कुल रोक के जैसा है, गुड बॉय। देखो गुड बॉय बोलती पूछ लगी बुल्ली की, खेत में कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब बुल्ली थोड़ा खेत में चले, भागो 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 भागो, अरे बहुत मजा आ रहा है बुल्ली को तो खेत में। ओके अरे आ रहा आ रहा, अरे बुल्लू आराम से भाई आराम से, मेंढक की तरह चल रहा है। अरे 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 खुल्ला सिम्बा के साथ मिलवाऊंगा, इसके साथ खुल्ला घूम लगा, एक जर्मन का है मेरे पास। अच्छा, बहुत ही सीधा कुत्ता, सीधा का बच्चा यार, जर्मन से दुश्मनी है इसकी। वो नहीं सचाई पीट भी लेगा ना, धरती में लौटता बेचारा, बहुत सीधा। अच्छा, जर्मन के साथ दिक्कत है इसको। अच्छा, जर्मन के साथ दिक्कत है, कोको बीमार होगी, वरना उसके साथ मिलवाते। खुल्ले का भी मजा अलग ही है यार, और ज्यादा मगर अभी बांध के घुमाता ही नहीं, मगर अगर अच्छे से रखे बस, तो रखने का ही तो सारा खेल है। अगर अच्छी तरीके से रखा जाए कुत्ता
एग्रेसिव मालिक ही तो बना हुआ है। कुछ कुत्ते होते हैं भाई, मान ली ऐसे कैसे कुत्ते हैं भाई, जो जब मेरे पास रोका था ना 3 बार तो मुझे खाया। अच्छा, इतना एग्रेसिव था जब जिस टाइम पे खाना रखे थे, बिल्कुल इसके दूर से दूर तक कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। अच्छा, इतना पागल कुत्ता था। और अभी ये इतना अभी कंट्रोल में इसका मामला है, मैं इसको खुला भी चला सकता हूँ बुल्ली को, रखने के ऊपर बात है, वही तो कह रहा हूँ सर। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी तो ये है ना कि जानवर है, कुछ भी कभी भी कर सकता है, तो पकड़ के चलाने में फायदा है। क्या दिख गया बुल्ली? बुल्ली सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगा। ये इसके अंदर कुछ होगा जानवर तो पक्का। भाई ज्यादा वो ना करियो, सांप सूप भी निकलते हैं। अच्छा, मेरे उसके एक रेड किंग नाम का कुत्ता था मेरे पे, उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, और उसका किसी जहरीली चीज़ कुछ है, आवाज आई ना खेलने की? हाँ, कौन सा जानवर है? मैं तो मैं घुमा लूँ, जब से मैं ऐसी झाड़ियों वाड़ियों में लगता ही नहीं, उसका शायद किसी ने काट लिया था। अच्छा, सांप सूप ने? यही नहीं पता चला, पर जहर फैल गया था किसी चीज के काटने से, इंसेक्ट से। अच्छा, हो गए तो रिलैक्स हो गए? रिलैक्स हो गए वैसे तो, पर कुछ भी ज्यादा पास आ गए तो है तो दोनों नाक भी बिल्कुल सेम ऐसी है बुल्ली की जैसे नाक है ना, सेम स्ट्रक्चर है, बस ये थोड़ा सा इसका ब्रॉड मुंह है, हल्का सा बुल्ली का लंबा मुंह है। हाँ, बुल्ली से वैसे थोड़ा हाइट में भी ज्यादा है हल्का। हाँ, यो स्टैंडर्ड साइज है, यो पॉकेट है। ये देखो भाई, कंपेयर कर लो गाइस। चलो यार, मजा तो काफी आया मिलके यहाँ पे ऋतिक भाई से और रॉक से भी, जो कि बुल्ली का फ्यूचर है। तो अब थोड़ा सा ना हम भी गाइडेंस और पूछ लेते हैं कि कैसा रहा भाई ऋतिक, यार आपका बताओ एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ब्रीड के। आज दुनिया बोलती है कि भाई ऐसा एग्रेशन और ये सारी चीजें होती हैं, तो क्या रियलिटी है और क्या मतलब असली एक्सपीरियंस आपका रहा बताओ भाई। सब कुछ रखने के ऊपर ही अपने मालिक के हाथ में, जो जैसा बनाओगे ऐसा बनेगा। आप अब देखो कितना बढ़िया ट्रेन कर रखा, ट्रेन क्या बस ध्यान दो इन पर, टाइम दो बढ़िया। बिल्कुल ठीक बात है, मेरे हिसाब से जो सारा खेल है ना वो ट्रेनिंग भी नहीं, बॉन्डिंग जो है ना वो असली चीज है, ओनर की और डॉग की जो बॉन्डिंग होती है कुछ अलग से सीखने के। अब मेरे को पता है कि भाई इतना पास जाएगा तो खतरा ज्यादा हो सकता है, देखो वो आगे झुकने की कोशिश भी कर रहा है हल्का हल्का, ठीक है, तो वहाँ बाइट और लॉक भी कर सकता है। इसको तो खैर कभी सिखाया नहीं बचपन से ही, लॉक वगैरह ये ग्रिप वगैरह कुछ नहीं, ये तो सारी चीज लगा पर वैसे नहीं इंसानों कुछ नहीं करता, क्योंकि घर में रखने वाला थोड़ा वो है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हो लगाओ इसकी, देखो ना लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना, ज्यादा ट्रेनिंग हो जाती है, तो कुत्ते पे भी उसी हिसाब से लगा लेते हैं भाई, यही तो दिक्कत है। छोड़ते नहीं फिर ये इनके अंदर। देखो रियलिटी बताता हूँ मैं, अब मैं बोलूँ की बिल्कुल ही शरीफ कुत्ता है, बिल्कुल ही लेबरा है तो नहीं है, ठीक है। लेबरा जो होगा या फिर ऐसे लेबरा में भी अग्रेसिव होते हैं डॉग्स, लेकिन इनके अंदर तो ये मसल मास इतना ज्यादा होता है ना, एक तो जो भी चीज करते हैं वो बड़ी पावर से करते हैं, क्यों रहती भाई? बिल्कुल है ना, जब कुछ भी देखो पैर से भी करता है ना, इसकी एज इतनी है 8-9 साल का कुत्ता है, और उसके बाद देख रहे हो मसल फिर भी पैर की उसकी, तो जो भी ये चीजें कर रहे हैं वो पूरी पावर से करी जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ओनर को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा भाई यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बाद देख लो खुली इतनी जगह, इसके बाद रोकने टट्टी कर दी, ये फायदा यार यहाँ पे देखो, यहाँ पॉटी करने का जो खुले में हिसाब किताब, उसके बाद मेरी सीना से पैर पीटा, उसके बाद पैर पीट दिया। और इसका रीजन बताता हूँ वैसे क्यों होता है ये जैसे ही पॉटी या सुसु करता है ना डॉग, डोमिनेंस दिखाने का, अब सामने बुल्ली है तो इससे जो इनके फेरोमोन्स होते हैं, जैसे सुसु वगैरह इसने कुछ भी करा तो हवा में उड़ाते हैं उससे पैर से रगड़ के, ताकि दूसरे कुत्तों को समझ में आ जाए कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो थोड़ा सा दूर से और देख के ये होता है। बाकी थोड़ा सा इनको गर्मी और सर्दी कैसी क्या लगती है? हाँ बेटा, हाँ वैसा तो फैंट ऑफ ब्रीड है, इतना ज्यादा होना सर्दी लगा, थोड़ी सी सर्दी लगती है इनको, हाँ, क्योंकि बाल नहीं है ना, गर्मी भी लगती है मेरे हिसाब से, हाँ। तो मेरे वाले को इसको देखो 30 डिग्री से ज्यादा, अभी इस भौंकने का स्टाइल देखो पहले तो, ये बाल नहीं है ना, स्टाइल है ना, जो मेरे पास जर्मन है उसे जो मैं बता रहा था अभी सिम्बा, सर्दियों में भी बाहर ही खुले में सोगा, सर्दियों कुछ मतलब नहीं, बाल ज्यादा होता है उसका, तो कोट हैवी होता है, इतना लंबे लंबे बाल है, सारा का सारा वही है इनका, इनका कोट है ही नहीं बिल्कुल। पर ये इनमें थोड़ा सा होता है कि इनके कोट नहीं है तो गर्मी भी लगती है सर्दी भी लगती है, और ये जो बोल रहे हैं ना इस ये भौंकने का स्टाइल, इसका ये स्टाइल है कि मेरे को चलो घर लेके चलो वापस लेके चलो, ये बोल रहे हैं बुल्ली घर जाओ क्या, ये अलग अलग स्टाइल है आपके यार, ओनर जो होता है ना वो समझ जाता है, इतने साल जब डॉग साथ में रहते हैं तो ये सब क्लैरिटी अपने आप मिल जाती है, क्योंकि इसके भौंकने का क्या मतलब है। ये आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि ये मेरे को चलने के लिए बोलता है तो कैसे बोलता है, अब ये यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है तो मुझे कैसे बोल रहा है, गाड़ी से उतारने के लिए बोलता है तो अलग तरीके से भौंकता है, तो ये आपको पहचानना है आपका डॉग आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखो इसको तो नहीं भौंक रहा है अग्रेसिव, उसके साइड तो नहीं हो रहा, देख के उस साइड हो रहा है, उस साइड हो रहा है तो मतलब देखो मैं धीरे छोड़ूंगा तो उधर ही जाएगा, और ये बिल्कुल पसंद नहीं है दूसरे डॉग को कि मेरी टेरिटरी में कैसे सुसु करेगा भाई, तू अपने घर जाकर करियो ना सुसु। पर ये नहीं बता रहा आपको, इसके आने से पहले 3 बार पूछ चुके हम यहाँ पे।
आज बोली चल। अच्छा ये डॉग में क्या होता है, मतलब जैसे एज होती रहती है तो क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव आता है इनके अंदर? जितनी एज बढ़ती जाओगे ना इतने ज्यादा समझदार होते समझदार हो जाएंगे। हाँ ये तो मैंने भी नोट करा है, जितना बच्चा होगा उतना चुलबुला होगा, इतना ज्यादा चुलबुला, जैसे जैसे एज बढ़ती जाओगी समझदार होते जाओगे। पर उसमें ये खतरा भी होता है कि फिर ये वार्निंग कम देते हैं और डायरेक्ट अटैक भी कर सकते हैं, ये इनके अंदर होता है डॉग के अंदर वार्निंग वाली, वो बचपन वाली हरकत बचपन में रहता है ज्यादातर वार्निंग वार्निंग, थोड़ा एज होते ही सीधा काम करते हैं, एक्सपीरियंस भी तो हो जाना फिर। हाँ फिर आपका ये होता है ना, ओनर का भी एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता रहता है डॉग के साथ साथ, तो वो भी समझ जाता है अपने डॉग को कि क्या करेगा इतनी एज में। सारी ये गन्ने की खेती है, देखो गाइस यहाँ पे पूरी ज्यादा बेल्ट है वो गन्ने की ही बेल्ट है। जब भी आगे दिल की धड़कन बढ़ता है। ये आ गए भाई थोड़े से फैंस आ गए। हाँ भाई गाइस आ जाओ मिल लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ना ऐसे नहीं काटेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे नहीं काटेगा, देखो भाग गए, अरे कुछ नहीं काटेगा ये तो रोक है, भाग गए, ला जा यहाँ, यहाँ को आ दे के भाई हिम्मत वाला, ले देख लगा ले इसके माथे पर, लगा ले अब देखना से देख के सारे आ जाएंगे, लगा लगा हाथ लगा ले, कोड़ी भर ले इसकी, बैठ नीचे बैठ, एक बार बैठ तू, देखो कितना कूल है रहा, ये केज का फैक्टर है यार, इतना मतलब एज होती है ना जब डॉग, कुछ नहीं करेगा, आ जाओ एक करके सारे आ जाओ, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आगे भाई और सारे मिल, लगा हाथ लगा ले, ले आ जाओ तू भी लगा लो, सारे लगाओ एक साथ, वरना देखते हो दूसरे डॉग को मेल को बिल्कुल पागल हो जा। अच्छा मतलब सा कुछ सामने वाला हरकतबाजी करता है, फिर तो ये बिल्कुल गुस्से में हो जाए ना, कुछ नहीं वो करता, नहीं ऐसे नहीं करता ये हरकत, हां तो बिल्कुल रिलैक्स, बस ये कि सामने वाला हरकत करेगा तो ये भी फिर, हां भाई इसका भी वही वाला, दोनों का ये ऐसे, अगर सामने से कोई छेड़ा फिर थोड़ा काम गड़बड़ करता है, वरना ये तो है ही अंदर, ये मतलब ये ओनर से कितना चिपका हुआ रहता है, ऐसे वो तो छोड़ता ही नहीं मेरे को बिल्कुल भी, आप इसे ले जा नहीं सकते यहां से। अच्छा ये भी ऐसे जाम हो जाता है बिल्ली भी, करंट रहेगा। अच्छा इसमें और जर्मन में क्या फर्क मिला भाई? जर्मन एक तो एक्टिव ज्यादा है इनके मुकाबले, गार्डिंग ज्यादा करे, मतलब सोते तो है ही नहीं, अगर हल्का हल्का सा भी खड़का हो गया ना वैसे तो जावे ये भी, पर जर्मन ज्यादा है समझदारी में, अगर देखा जाए तो समझदारी में भी सेम ही है, सारे डॉग्स ही सेम है समझदारी में, मेरा वो चिंटू है वो भी इनके जितना ही समझदार है, जैसे वो बोलते हैं वो तो होते ही है, देसी तो अपने सबसे ज्यादा है ही है, वो तो यहाँ के माहौल से बने हुए थोड़ा सा, सारे ही समझदार है तो डॉग्स ही, जर्मन शेफर्ड है तो उसमें ज्यादा वो बताते हैं ट्रेनेबल ज्यादा है, गार्डिंग भी बढ़िया समझदारी भी ज्यादा, चलने पता चल जाता है जैसे खींच के चलते हैं, और वो जर्मन कैसे चलेगा वो तो जब शुरू में हुआ खींचने वाला, तो बाद में आराम चलता है वो, क्योंकि ये तो अभी भी खींच के चलता है और ये वो भी खींच के चलता है बुल्ली भी, ना जर्मन थोड़े आराम से चलता है, जल्दी सीख जाए, सीख के तो सारे वो जल्दी सीख जाए, कैसे भागता हुआ रहा है, ऊपर बैठ जाएगा ये अपना बैठ जाएगा नीचे से, अरे ये तो देखना पड़ेगा भाई कैसे कैसे बैठ जाएगा, ओ भाई साहब कहीं नहीं जाऊंगा टांग, ये तो बड़ा तगड़ा सीन है यार इसका, अरे 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 दूसरे वाली बाइक की ज्यादा देते से, अच्छा उधर से वो बुल्ली वो करे जा रहा है भोंके जा रहा है, अरे वाह भाई वाह, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई रॉक को, जैसे यहाँ बुग्गी जा रही है ना मस्त अपना जा रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बुल्ली होता ना इतना में तो बुल्ली तो भाई पीछे भाग लेता उसके, अजी हाँ हाँ बुल्ली को उसके लिए नई चीज है ना, ज्यादा वो नहीं है उसके लिए, तो जानवर है दूसरा, इस आदत होगी, हाँ रोड पर करके चला गया उधर तो भाई अभी जा रहे हैं हम एक कोल्लू पे, वहाँ पे ना जूस निकलता है गन्ने का, मैं थोड़ा मैं सोच रहा हूँ ले लूँ और गुड़ वगैरह भी ले लेता हूँ और बुल्ली को पानी भी पिला देंगे, तो पीछे बैठा रहे इस बार, तो अमन भाई को गन्ने का रस पीना था शहर में, हाँ बिल्कुल फ्रेश गन्ने की खुशबू आ रही है भाई, आ रहा हूँ भाई बुल्ली आ रहा हूँ, बोके जा रहा है, ताजा रस निकल रहा है इसमें, तो वहाँ से गया ताजा गन्ना और ये यहाँ से मतलब गन्ने का निकल गया, वो जिसे मर्सी में निकलता है वेस्ट जो हो गया वो यहाँ से निकल गया, उसके बाद ये आ गया भाई ताजा रस है ये गन्ने का, यहाँ से फिर इसमें ज्यादा फिल्टर हो गया, अच्छा ये इसमें नीचे भट्टी है, मैं कह रहा हूँ ये इसमें से इसमें कैसे जाता है, अच्छा ऐसे करना पड़ता है हाथ से, तो कितने टाइम में तैयार होगा, इसमें कोई ताजा जो वो गया रस गया तो गुड़ बनने में कितना टाइम लगेगा उसको, आधा घंटा, आधा घंटा भाई, ये क्या भाई गन्ने का रस, ये तो गन्ने का रस है फ्रेश बिल्कुल है बिल्कुल, ओहो भाई ये वाला तो वो वाला तो रस तो नहीं है जैसे हमें वहाँ मिलता है, जो ये ताजगी है ना ये अलग है, इसमें छिलके का भी स्वाद है बहुत ही यूनिक, दोस्तों यहाँ से मैंने ले लिया 2 किलो कर देना गुड, अच्छा आपसे कोई डायरेक्ट अगर आके ले तो क्या रेट मिल जाएगा किसी को गुड़ अगर ले आके, 50 रुपए किलो, अब वैसे रेट देख लेना दोस्तों मुझे नहीं पता क्या होता है, बट हाँ ये है कि प्योर मिल जाएगा, सामने बन रहा है सामने के सामने मिल जाएगी, मिलावट नहीं दिखेगी, मिलावट
चलो भाई गुड़ भी हो गया, और गुड़ के पता नहीं क्यों पैसे भी नहीं लिए। अरे गांव में यार ये थोड़ी सी ना अलग हॉस्पिटैलिटी मिलती है आपको। गांव वगैरह में आप जाओगे ना आपको कुछ लगाने नहीं देंगे गांव के जो इतने प्यारे लोग हैं। इसलिए मेरा आने का मन नहीं करता भाई कहीं भी गाँव में जाने का, क्योंकि कुछ करने नहीं देते यार ऐसे। और मुझे लगता है कि पता नहीं मैं लोड ना बन रहा हूँ इन लोगों में। देखो यार यार ये तो मेरी छोटी मोटी बात है, खैर लोड तो क्या ही होगा इसमें, लेकिन अच्छा नहीं लगता ऐसे की। अच्छा तो हमें नहीं लग रहा था इतने जल्दी जाने लग रहे ना, तो बस यही है फिर। लेकिन यही प्यार है कि मुझे दोबारा भी आना पड़ेगा। पक्की बात है, एक दिन बिल्कुल फ्री हो गए पहले काम के टाइम अपना यमुना में घूमने चलेंगे। बिल्कुल यमुना में चलेंगे, अगला जो देखेंगे हम लोग ऐसा बनेगा नदी पे, वो अलग ही बनेगा यार। वो भी नदी में आज तक कभी भूली गया नहीं है, पानी देख के मजा आएगा। तो ये जो पट्टा है ना ये है भाई प्योर लेदर का और स्पाइक्स वाला, ये तो इसको आ भी जाएगा शायद, आ जाएगा। थोड़ा सा भारी है लेकिन इससे फायदा ये है कि अकेला भी घूम रहा होगा ना खुला ही है, तो कोई इससे गर्दन में अटैक नहीं करेगा। यो बढ़िया चीज दे दी यार, लगेगा भी थोड़ा अलग ही लुक तो खतरनाक ही आएगी। तो भाई नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है अगर आपको खरीदना हो तो। ये सिर्फ कॉलर जो आता है ना 1300-1400 रुपए का आता है सेट, अगर इसका लीशी अच्छी होता है तो 1800 रुपए का पड़ता है। तो ऊपर प्योर लेदर का है और कॉपर ब्रास के ये बने हुए हैं स्पाइक्स, इसके जानवरों से दूसरे जानवर से बचाना है अपने डॉग को, तो ये बेस्ट चीज है। पैडिंग भी हो रखी है अंदर तो चुभेगा नहीं। और ये है भाई हमारी चोक चेन्स, ये एक रोज गोल्ड कलर में लेके आया हूँ, रोज गोल्ड कलर की है चोक चेन। यो वाली वैसे भी रिटायर हो गई। हाँ ये भी अभी प्योर ब्रास की है, कोई भी लोहा नहीं है, सारा ब्रास है। मेरे वाले चैनल पे तो पूरा ब्लॉग देख ही लिया है, एक अलग पर्सपेक्टिव से ऋतिक भाई के चैनल पे भी ये ब्लॉग आएगा, तो वहाँ पे भी जाके जरूर चेकआउट करना सारे लोग, और सब्सक्राइब भी करना उनके चैनल को, ताकि एंटरटेनिंग होता है इनके जो ब्लॉग होता है ना बड़े फास्ट होते हैं। और भाई के जो ब्लॉग हुआ है वो हुआ है नॉलेजेबल, वो तो मैं देखते समझ गया भाई ने थोड़ी देर में सब कुछ कवर कर दिया अपने नॉलेज से, मेरा तो वो है सुबह शाम तक। बिल्कुल भाई आप बनाओ थोड़े वो, लेकिन यही है यही चीजें वैसे रहे। हाँ पर वही है कि जो सेम ना हो वही ज्यादा बेटर है, क्योंकि सारी अलग अलग अपनी क्वालिटी और अपनी अपनी क्रिएटिविटी लेके आते हैं भाई। भाई नॉलेज के मामले में है ही यानी वो टेक्निकल गुरु जी टेक्निकल आइए से कमेंट होता था, मैं डरता नहीं चेहरा देखता बहुत बहुत मेरे पास वो टेक्निकल गुरु जी या फिर अमृतमान, ये तो मेरे पास भरे हुए कमेंट वाले, कल ही देख रहा था नीचे। चलो यार अब निकलते हैं। चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है भाई रोक मिलते हैं देर से यार। चलो भाई बाय बाय। तो भाई अब निकल चुके हैं घर की तरफ, बहुत मजा आया यार, बढ़िया बंदा है ऋतिक। और इसलिए गांव में आने का ना थोड़ा अलग ही फील होती है, गांव में जब मिलते हैं लोगों से अलग ही मेहमान नवाजी और ये सब चीजें मिलती हैं आपको, तो ये इंडिया की खासियत भी है यार, ये जो चीजें है ना ये जो प्यार है ये बहुत अलग ही कहीं बहुत कम मिलता है, शहरों में तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। Today's gonna be a good day. Wake up.